गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है, मैं भी आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल ही होंगे। तो बच्चों, आज मैं YouTube चैनल SFMS के माध्यम से वर्ग तीसरा विषय संस्कृत में पार्ट एक, सबसे शुरू में आपके पुस्तक में पार्ट एक में वंदना प्रार्थना यानी सो इंग्लिश में बोलते हैं प्रेयर करके दिया गया है। बच्चों, आप सब प्रार्थना करते हो? करते हैं? ईश्वर से हम लोग भी सबको ही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से दुआ करते रहते हैं कि ईश्वर हमको भला चंगा रखे, सुस्वस्थ रखे। विशेष अभी आप सबको प्रार्थना की बहुत जरूरत है। बच्चों, हम सब प्रार्थना करेंगे कि हम सबको ईश्वर इस कोरोना जैसे बीमारी से में बचा के रखे, ताकि आप दोबारा विद्यालय जब खुलेगा तो विद्यालय में आकर के अपना अध्ययन रोज कर सकते हैं अच्छा से। यहाँ पर देखेंगे संस्कृत में प्रार्थना दिया गया। बच्चों, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनाएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। फिर से दोहराएं बच्चे, ध्यान देंगे मेरे पीछे, दोहराएंगे फिर से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ पर बच्चे पहला लाइन में हम देखेंगे लिखा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये प्रार्थना है। इसे आप एक गाना के रूप में भी गाते हैं। यहाँ पर देख लो, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु तुम ही सखा, इस तरह हम लोग गाना में भी गाते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला लाइन में पहला शब्द दिया है त्वमेव, यहाँ पर त्वमेव में दो शब्द जुड़ा है, शब्दार्थ भी इसका देखेंगे हम लोग। त्वमेव यहाँ दो शब्द जुड़े हैं, त्वम छोड़ एव, त्वम जोड़ एव, इसमें पहला शब्द त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम या तू, और एक अर्थ होता है ही। तो त्वमेव का पूरा अर्थ हुआ तुम ही, तुम ही। तो इसका इस लाइन का अर्थ देखेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, हे प्रभु या हे ईश्वर तुम ही माता हो। यहाँ च शब्द है, च वर्ण होता है आव, च वर्ण होता है आव, तुम ही माता हो, च वर्ण हुआ आव, पिता तुम हो, तुम ही पिता हो। दूसरा लाइन त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव का मैं बताई तुम ही, तुम ही, यहाँ भी दो शब्द जुड़ा है बंधु जोड़ च बंधुश्च, बंधुश्च बंधु अच्छा, बंधु का होता है भाई, अच्छा बात होता है बता चुके मैं आओ। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च, त्वमेव तुम ही, बंधुगत भाई, च आओ तुम ही भाई हो, या सखा, सखा
कृष्ण त्वमेव बंधुष्टयो सखा त्वमेव, तुम ही भाई हो और तुम ही मित्र हो, सखा का मतलब बताई में मित्र। तीसरा लाइन त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही विद्या हो ज्ञान हो, ईश्वरी हमको बुद्धि देते हैं विद्या देते हैं, उन्हीं के द्वारा हमको सब कुछ मिलता है विद्या बुद्धि जो भी है सब। तो इसलिए हम ईश्वर से कह रहे हैं कि ईश्वर तुम ही विद्या हो, तुम ही ज्ञान हो जो मुझे विद्या देते हो ज्ञान देते हो। द्रव्यम त्वमेव, द्रव्यम का अर्थ होता है धन दौलत धन संपत्ति धन द्रव्यम धन दौलत या धन कहेंगे धन संपत्ति। त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव को पूरा छोड़ दिया, तुम ही विद्या हो तुम ही ज्ञान हो तुम ही धन हो, हमारे पास जो भी धन दौलत है सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, उन्हीं के द्वारा हमारे पास जो भी धन है वो उन्हीं का दिया धन है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव तुम ही सर्वम, सर्वम का अर्थ होता है सब कुछ, सर्वम सब कुछ, मम मम का होता है मेरा मेरा मेरे मेरी वाक्य अनुसार, देखेंगे त्वमेव सर्वं मम देव देव, ये प्रभु तुम ही मेरा सब कुछ हो, हे देव देव, यहाँ पर देव देव हम बार बार ईश्वर को पुकारते हैं, हे देव के देव यही, हे प्रभु हे परमेश्वर तुम ही मेरे सब कुछ हो। बच्चे फिर से मैं दोहरा रही हूँ पूरा लाइन ध्यान देंगे समझेंगे फिर से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव का बताई है यहाँ पर तुम ही माता हो, ईश्वर से हमें बोलना है प्रभु तुम ही मेरी माता हो, चौका तो बताई मैं आम तुम पिता त्वमेव, तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मित्र हो, भाई ईश्वर भाई का रूप लेके मित्र का रूप लेके हमारा साथ देते हैं हर दुख सुख में। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही विद्या ज्ञान हो और तुम ही धन दौलत हो। त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो। ठीक है आखिरी लाइन फिर से सुनेंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं गाना में भी हम लोग गाते हैं, ईश्वर तुम ही मेरी माता हो पिता हो तुम ही भाई हो तुम ही मेरे मित्र हो तुम ही विद्या हो जो भी धन दौलत है ईश्वर के दिया हुआ वरदान है ज्ञान हो। और आखिरी में त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे देवों के देव तुम ही मेरे सब कुछ हो, सर्वं का अर्थ होता है सब कुछ, मैं बताई मम का अर्थ होता है मेरा, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो प्रार्थना समझ में आया, प्रार्थना का अर्थ भी शब्दार्थ देखेंगे बच्चे, कठिन शब्द का अर्थ मैं लिख दी हूँ यहाँ पर देख लो, तुम यो दो शब्दों से जुड़ा है, तुम जोड़ एव, तुम का अर्थ होता है तुम या तू, और एव का अर्थ होता है ही, अर्थ याद करेंगे, च का अर्थ होता है आप, बंधुश्च यहाँ दो शब्द जुड़ा है बच्चों में बताई बंधु जो च, बंधु का अर्थ बताई मैं भाई, और च का अर्थ होता है आप, सखा का अर्थ होता है मित्र, सर्वम सब कुछ, द्रविणम का अर्थ बताई मैं धन, मम मेरा। तो इस तरह का शब्दार्थ सबको भी याद करेंगे, ये चार लाइन का प्रार्थना जो संस्कृत में लिखा हुआ है इसका अर्थ भी सीखेंगे पढ़ने के लिए सीखेंगे, प्रार्थना को बोलेंगे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों प्रार्थना आपने सीखा संस्कृत में बढ़िया से, उसको पढ़ेंगे उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। अब आगे आपके लिए तीन कार्य मैं दे रही हूँ, पहला सवाल आप देख रहे हैं
का अर्थ लिखना है। दूसरा, कठिन शब्दों का अर्थ याद भी करना है। तो बच्चे ये होमवर्क आपको बनाना है, वीडियो में आप देखिए, आप पढ़िए और फिर होमवर्क पूरा कीजिए। मैं आपका होमवर्क विद्यालय खुलने के बाद चेक करूंगी। ठीक है बच्चे, थैंक्स बच्चे।